जय गुरुदेव। मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह यह वस्तुएं दान करता है तो उन्हें 100 यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यूं तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रोज के दिन में वह दान पुण्य अवश्य करता है, जैसे कि गाय को रोटी देना, कुत्तों को बिस्किट खिलाना या रोटी देना, किसी गरीब को 2 पैसे देना। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में हम रोज कुछ ना कुछ दान करते रहते हैं। मगर मकर संक्रांति के दिन जब सुबह सुबह सूर्यदेव उत्तरायण के भाव में जा रहे होते हैं, उससे पहले हम यदि दान कर ले तो हमें 100 यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है। जैसे हम 100 यज्ञ करवाते हैं, उसमें 100 पंडित भी बुलाते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। उसी तरीके से सुबह सुबह में मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करने से हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है। वह लाभ हमारे परिवार में, हमारे घर में और हमारी रोज की जिंदगी में बहुत बड़ी सहायता करता है। जैसे कि सिद्ध पुरुष महात्मा ने ये बात कही हुई है कि खाया पिया अंग लगेगा, दान किया संग चलेगा और बाकी सबको जंग लगेगा। यानी कि दान किया हुआ हमारे संग किस तरह से चलता है। जैसे कि हमारे ऊपर कोई संकट आ गई हो और हम कहते हैं कि मैं कुछ ये मेरे साथ में घटना घटते घटते बच गई, वरना मैं बहुत दुविधा में पड़ सकता था या पड़ सकती थी। ऐसा कभी कभी हमारे साथ होता है, तब हम यह सोचते हैं मगर ये हुआ किस वजह से, आप बचे किस वजह से। ये दान पुण्य करने की वजह से बले। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी आयु 30 वर्ष की है और आप 100 वर्ष जीवित रहने वाले हैं, तो आपकी 30 से लेकर 100 वर्ष के बीच में आपके सारे पुण्य जो है वो आपके साथ चलते हैं, आपको हर संकट से बचाते हैं। आपके ऊपर कुछ ऐसा दुष्ट किसी व्यक्ति की नजर होती है, उससे भी बचाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों को टाल देते हैं। तो हमें कब यह दान करना है और क्या क्या दान करना है, यह आप ध्यान रखिए। और यह 2024 में जो मकर संक्रांति है बहुत बड़ी है, इसका बहुत अच्छा परिणाम है और इस दिन जो व्यक्ति दान करे उसे बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। तो हमें क्या करना है, सुबह में जब सूर्यदेव निकलने से पहले गाय को हम गरम गरम रोटी बना लीजिए, 4 या 5 रोटी बना लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दीजिए और उसमें गुड़ रख दीजिए और वह आप सुबह सुबह गायों को दान कर दीजिए। चाहे आप 5 रोटी लेके गए हो तो थोड़ी थोड़ी सब गायों को दीजिए और वह करने के बाद में आपको गाय को चारा डालना है। जैसे खिलाते हैं ना गाय को चारा, सुबह सुबह हम खिलाते हैं, तो वह चारा आपको इतना जल्दी खिलाना होगा। यानी कि 5 बजे से या 5 बजे या 7 बजे से सूर्य निकलने से पहले पहले आपको ये दान पुण्य जो है वह कर लेना है। ये दान गायों को करने का बात कर रहा हूं मैं। तो यह गायों को आपको सुबह सुबह में दान अवश्य कर लेना चाहिए। दूसरा है, दोपहर जब होती है, जब सूर्य उत्तरायण के भाव में रहता है, तब आपको सबको पता होता है कि जब दोपहर होती है तब हवा कुछ इस तरीके से पलट जाती है, कभी इस ओर होती है तो कभी इस ओर होती है, हवा पलटती है, जैसे वायुमंडल की सारी हवा पलटती, उसी तरीके से उसके बाद में आपको गरीब व्यक्ति को खिलाना, यानी कि इंसान को कुछ ना कुछ खिलाना है। जैसे कोई, बहुत से लोग गाजर और फ्रूटों का दान करते हैं, फ्रूट उनको देते हैं, उसी तरीके से आप फ्रूट भी दे सकते हो, किसी भूखे व्यक्ति को खाना भी खिला सकते हो और ये सारा सूर्य देव की साक्षी में होगा। यानी कि दोपहर को जो दान करोगे, इंसानों को कुछ खिलाओगे, गरीबों को कुछ खिलाओगे, वह सूर्य निकलने के बाद खिलाओगे तो वह सूर्य देव की साक्षी में होगा, उनकी उपस्थिति में होगा, तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यूं तो पूरा दिन आप ये कर सकते हो, मगर जो हमने गाय को यदि चारा डालना है तो सूर्य निकलने से पहले डालना होगा।
आप सोच में पड़ जाओगे, आपका जैसे उत्तरायण के दिन हवा की पलटी होती है, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में, कभी इस दिशा में, उसी तरीके से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो ये छोटा सा उपाय है, अचूक उपाय है, ये बहुत बड़ा दिन भी है जिस दिन हम आपको उपाय करने का कह रहे हैं। तो उस दिन आपको यह उपाय अवश्य करना है। 12 महीने में एक दिन ऐसा आता है जो यदि कोई व्यक्ति 12 महीने तक उसने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया रहेगा, वो इस दिन कर लेगा तो उसके समझ लो कि 12 महीने उसने पुण्य कर दिया है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है और यह लाभ हमारे आर्थिक जीवन में बहुत बड़ी सहायता करता है। तो हमें ये कार्य अवश्य करना चाहिए। हम इस कार्य करने की वजह से हम बुरी से बुरी संकटों से बचेंगे, एक नहीं 100-100 बार बचेंगे। कुछ अचानक से घटना हो जानी, जैसे बाइक का एक्सीडेंट होने जाना, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, ऐसा होता है और हम बच जाते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि मैं तो बच गया, मगर बचाया किसने? आपके पुण्य ने बचाया है। तो हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। कभी कभी हमारा किया हुआ पुण्य जो है वो हमारे बच्चों को उसका लाभ मिलता है, तो इसी तरीके से हमारे बाप दादा ने कुछ अच्छा पुण्य किया होगा वो हमें प्राप्त होता है, तो हम करेंगे हमारे बच्चों को प्राप्त होगा और हमारे संग तो चलना ही है। इसी वजह से आपको ये छोटा सा कार्य मकर संक्रांति के दिन अवश्य करना है। और यह वीडियो आपके मित्रजनों को, आपके परिवारजनों को अवश्य शेयर कीजिएगा। जय गुरुदेव।